देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। समाजवादी प्रत्याशी ने भाजपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सपा प्रत्याशी रति भान सिंह यादव ने कहा कि भाजपा कांग्रेस जनता को गुमराह करने की राजनीति करती है। मुंगावली विधानसभा में आज तक कभी कोई क्षेत्र के युवाओं को रोजगार नहीं मिला, ना ही किसी गरीब को रोजगारी भत्ता मिलता है। वहीं मजदूर किसान यहाँ के बहुत ही परेशान है, जिनको शासन की योजनाओं के लिए दर दर भटकना पड़ता है। समय जगत के साथ आज प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के रति भान से बात हो रही है हमारी। नेताजी, आपका क्या एजेंडा है, क्या चुनाव में आप क्या करना चाहते हो, क्या सोच है आपकी, आपने बताएं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे लिए अमूल्य समय दिया। मैं मुझे समाजवादी पार्टी ने यहां से मुंगावली विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है और मैं इस क्षेत्र के लिए जो आज तक कांग्रेस बीजेपी नहीं कर पाई वो मैं करना चाहता हूं। जहां विकास में मुंगावली हमारा पिछड़ा दिखता है तो हमें दुख होता है। क्योंकि मैं स्थानीय प्रत्याशी हूं, यहां किसी भी पार्टी से कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं है, तो सबसे ज्यादा दुखदर्द तो जब क्षेत्र पिछड़ा होगा तो हमें होगा। तो इसलिए आज तक जो भी विधायक बने वो बाहर के लोग बने, हमारे मुंगावली का आज तक कभी मौका नहीं मिला। तो हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम जनता तक अपनी जो क्षेत्र की मतलब पिछड़ी हुई स्थिति है उसको हम सुधारना चाहते हैं। और जो किसानों के लिए आज जो बीजेपी सरकार ने दुखदर्द दिए हैं तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम उन किसानों की समस्याओं को हल करें। आज व्यापारी हमारा दुखी है, आज व्यापार नष्ट हुआ है, आज किसान जो गल्ला व्यापारियों को देकर अपने काम चलाते थे आज वो हमारा किसान व्यापारियों को नाज नहीं दे पा रहा है। भावांतर के चक्कर में आज तक गुमराह किया है, ना कोई भावांतर है ना कोई, और इस सरकार ने योजना राखी किसानों को गुमराह किया, आज तक फसलें नहीं भूमी खेत जमीन किसानों की खराब हुई है। हमारे व्यापारियों भी जो भी 100-200 रुपया जो व्यापारी फुटकर वाले कमाते थे आज उनकी भी स्थिति दयनीय हो गई है। और हमारे जो सब्जी ठेला वाले हैं आज उनकी भी स्थिति खराब है, क्योंकि हमारे जब गरीब पे और किसान पर पैसा नहीं होगा तो उनके भी व्यापार को घाटा लगा है। तो कई चीजें ऐसी हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस मुंगावली क्षेत्र को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मुंगावली में जो आज तक बीजेपी कांग्रेस जो कुछ नहीं कर पाई वो हम मुंगावली क्षेत्र में करना चाहते हैं। हमारी विचारधारा है कि हम गरीबों को जैसे ही सरकार में हम शामिल होते हैं तो हम हर गरीब को 2000 रुपया महीना समाजवादी पेंशन देंगे, किसान के लिए पानी फ्री देंगे, बीमार को दवाई फ्री देंगे, छात्रों को पढ़ाई फ्री देंगे। ये हमारी समाजवादी का एजेंडा है। उस हम आप लोगों के माध्यम से जनता तक हमारी दिल की आवाज पहुंचाना चाहते हैं और पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। क्षेत्र की जनता का मेरे साथ आशीर्वाद है, वो चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छोटे दुकानदार हो, सबसे मेरे मिलनसार संबंध है, परिवार के मेरे सब सदस्य हैं, सब मुझे आशीर्वाद देंगे। यही मैं आशा और उम्मीद आप लोगों के सामने ये करना चाहता हूँ। यह समाजवाद। अच्छा, आप पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव मेरे सभा करने आएंगे और जो भी उनका मार्गदर्शन है उनके मार्गदर्शन में हम चुनाव मैदान में हैं। हमें किसी से भयभीत या डरने की जरूरत नहीं है, हम दमखम से चुनाव मैदान में हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।